मेरे परिवारजनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम करोत्से स विश्वकर्मा, अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है, और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। मेरे परिवारजनों, कुछ साल पहले, करीब 35 साल हो गए होंगे, मैं एक बार यूरोप में ब्रसेल्स गया था, तो वहां कुछ समय था तो मुझे वहां के जो मेरे होस्ट थे वो एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन था वो देखने के लिए ले गए। तो मैं जिज्ञासा से जरा पूछ रहा था उनको कि भाई यहाँ ये चीजों का मार्केट कैसा होता है, क्या होता है, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने कहा, साहब यहाँ जो मशीन से बनी हुई ज्वेलरी है उसकी डिमांड कम से कम होती है
जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है, लोग महंगाई से महंगे पैसे देकर के भी उसको खरीदना पसंद करते हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।